बना है कि मम्मी और पापा भी जाने वाले हैं अम्बाला। अभी पापा से डिस्कशन हुआ है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और आज का ही ट्रेन है तो पापा चले जाएंगे। हम पापा को इसलिए नहीं जाने के लिए बोल रहे थे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है, वैसे तो ये कल का ब्लॉग था, लेकिन अचानक से क्या है कि आज का ब्लॉग डालना पड़ रहा है। और बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा कमेंट भी देख रहे थे कि बहुत सारा चीज़ आ रहा है भाभी से रिलेटेड। तो अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना कहूँगा कि हमारे घर में अभी क्या हुआ है कि अचानक से प्लान बना है कि मम्मी और पापा भी जाने वाले हैं अम्बाला। और मैं अभी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ रह जाएगी रंजना। तो मैं बोला कि अभी पापा से डिस्कशन हुआ है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और आज का ही ट्रेन है तो पापा चले जाएंगे। हम पापा को इसलिए नहीं जाने के लिए बोल रहे थे क्योंकि पापा का, आप लोग हाल ही फिलहाल में देखे होंगे कि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उनका। तो जाना और फिर से उनको क्या होगा ना कि वो जाएंगे फिर जल्दी जल्दी कहेंगे कि नहीं हमको फिर आना है। तो मैं बोला कि मम्मी को भेज दिया जाए क्योंकि मम्मी चले जाएंगी तो फिर वहाँ पे जितना दिन मन करे जैसे मन करे, या उनको वापस लाना है, मतलब ऐसा है ना कि वहाँ पे रहेंगे तो अगर क्लासेस चल रहा है या कॉलेज चल रहा है तो वो भी थोड़ा मेंटेन में रहेगा, और यहाँ का भी जो काम है वो भी, जैसे स्कूल जाना है तो वो सब हम लोग जाके देख लेंगे। तो मेरा ये थिंकिंग था। शायद हो सकता है कि मैं यहाँ गलत भी होऊंगा, पर एक वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि भले ही आप लोग को मैं बता दूँ कि भले ही खुशी के मौके पे मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन जब भी कोई दिक्कत या कुछ भी ऐसा पड़ेगा ना, तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं हमेशा रहूँगा साथ में ही, चाहे वो सामने कोई भी हो। और गलत जब होता है तो मेरे सामने मेरा खुद का कोई होगा तो मैं नहीं चुप रहता हूँ, तो ये तो कुछ नहीं है। तो अब आप लोगों को बता देते हैं कि अभी तो कुछ नहीं बोला जा रहा है, बस इतना ही कहा जा रहा है कि अभी मम्मी जा रही है, वहाँ जाने के बाद से क्या बातचीत होगा, क्या होगा, क्या नहीं, वो सब तो आप लोगों को अपडेट मिलते रहेगा। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि अभी सब कुछ ठीक है, बस हाँ कम्युनिटी जो आया हुआ था वो मैं भी पढ़ा था, तो हम लोग बात किए भाभी से, तो थोड़ा सा लग रहा था कि आवाज़ से भी कि मम्मी बात की है उनसे। और बाकी सब जो बात है आप लोगों को बताया जाएगा धीरे धीरे करके। और फिर मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि कोई भी ये मत समझिएगा कि वो अकेली हैं या भैया अकेले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग, पूरा फैमिली हम लोग एक साथ में ही हैं। और वक्त जैसे अभी अगर अभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं अभी अपना गाड़ी निकाल के तुरंत वहाँ पहुँच जाऊँगा, और चाहे मेरे को जिसको जो बोलना है जो बोलो, लेकिन मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए मैं पापा को भी बोला हूँ कि थोड़ा आप वेट कर लीजिए, आप पहले दिखा लेते हैं, आराम कीजिए। क्योंकि पता है गाइस, आप लोगों को मैं बता दूँ कि मेरा भी अभी कुछ दिन पहले जब प्लेटलेट्स डाउन हुआ था, तो प्लेटलेट्स डाउन के बाद से ना इतना ज़्यादा कमजोरी फील हो रहा था ना कि मैं चल भी नहीं पा रहा था, और यहाँ पर दर्द हो रहा था, खाने के वक्त भी दर्द हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को पर्सनली इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो मैं समझ सकता हूँ कि पापा जी का भी थोड़ा तबीयत जो है वो थोड़ा नहीं, तबीयत ख़राब है, तो मैं सोचा कि बोलूँ। खैर अभी देखते हैं डिसीजन क्या होता है। तो गाइज़ आप लोग भी सजेस्ट कीजिए कि आगे क्या करना चाहिए। और सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है अभी, अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँगा। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। और हाँ, जल्दी जल्दी जो है आप लोगों को एक और बात है, रंजना भी कुछ बात को लेके थोड़ा सा अपसेट है, गुस्सा है, वो आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा, इसमें तो नहीं, लेकिन हाँ आने वाले ब्लॉग में, कि रंजना भी थोड़ा गुस्सा है कल, क्योंकि वो कितना भी मतलब वो अपना जैसे शुरू से ही जो भी उसको लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए वो करती है, पर फिर भी जो है लोग इतना ज़्यादा कमेंट करके ना, आप लोगों को बताते हैं, सच में बताया तो फ़र्क जो है, किसी को भी एक बार बोलो ठीक है, हर बार बोलने पर ना थोड़ा पड़ता है फ़र्क। तो वो भी जो है थोड़ा सा अपसेट भी है, गुस्सा भी है, जो भी समझिए। और बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग बस टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। फ़िलहाल में यही है कि अभी मम्मी
और पापा जी भी सोचे हैं जाने का, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। खाना पीना बनाना है तो वो अलग व्लॉग भी आपको देखने को मिल जाएगा, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारा लास्ट व्लॉग हो सके, कुछ दिन के बाद भी आ सके। तो अभी फ़िलहाल आगे कुछ भी होता है तो आप लोगों को अपडेट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो जैसा हम लोगों को लगेगा वैसा हम लोग करेंगे। लेकिन हाँ, फिर से मैं बोलूँगा कि हम लोग सब लोग अभी एक साथ हैं, और कल बहुत बड़ा दिन भी है जो कि भाई का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है। और हम लोग, मैं सोचा था कि मैं खुद सरप्राइज़ देने जाऊंगा या वो लोग आ जाएंगे तो थोड़ा बर्थडे वर्थडे भी जो है वो भी सेलिब्रेट हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अभी जो है अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी क्या हो रहा है क्या नहीं। खैर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हे गाइस, तो फाइनली यहाँ पे आ गई है हमारी बिटिया रानी, जो कि काफ़ी प्यारी है और मेरे पास आते के साथ ही रोने लगी। इनको मैं ली थी खिलाने के लिए, तो ये काफ़ी प्यारी है और साथ में यहाँ पे और भी बच्चे। इनका नाम है सिया। सिया ने में, वाह काफ़ी प्यार, काफ़ी प्यारा ने में। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? वहाँ कैमरा में देख रही हैं? हाँ देख रही है, लड़की है तो वही बोल रही, कैमरा में देख रही हैं आप, जाना है वहाँ पे। हाँ कितनी प्यारी है ये इनकी बेटी है। हाँ मेरी बेटी है, मेरी बेटी। क्या हो गया? और यहाँ पे एक भी आ गई, आप भी आइए। ये तुम्हारे देवर है। ओ मेरे देवर लगेंगे, वाह काफी सारे छोटे छोटे देवर हैं लोग। आइए इधर आइए। नहीं नहीं आ रहे, चाचा का लड़का ये भी तुम्हारा भाई है बेटा। चाचा टकलू छुप मत, क्या होते हैं? ठीक है ठीक है, ये लो जलेबी लो, जलेबी लो। ये क्या है? देख सकते हैं समोसा, जलेबी। क्या हो गया? खा लेना समोसा के बाद, ठीक है? दिया शांत हो गए। नहीं 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 ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे, वाह वाह। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, डांस सिखा। और अभी नहीं करने, बस ऐसे जल्दी से बाल क्या किए थे सही कर लिए हैं। और यहाँ पे अनुष्का, तो अभी मैं जा रही हूँ और ये मेरे पास आई हैं, तो इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं बनी नहीं क्योंकि ये जब भी मैं आती हूँ तो मेरे पास ही रहती है और मेरे साथ ही रहती है, तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी चल रहे हैं, देखिए अभी मैं ऊपर आई हूँ तो ऊपर आई हैं मेरे साथ, तो चलिए चलते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पे नहा कर आजीव वाला सूट पहन ली हूँ। और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर, सिवान वाले घर पे। कल रात में ही आ गए सभी लोग, मम्मी जी पापा जी भी और फिर हम लोग भी आ गए। और अभी यहाँ पे आकर अब मैं उठ चुकी हूँ और अभी चलते हैं। सबसे पहले मम्मी जी पापा जी से ऐसे बात लेते हैं, फिर मुझे पूजा भी करनी है, तो चलिए पहले चलते हैं मंदिर में, पूजा करते उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो यहाँ पे अब मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे गर्म पानी और एक साइड काढ़ा बना रहे हैं, जो कि मॉर्निंग में मम्मी जी पापा जी गर्म पानी और काढ़ा ही पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए काढ़ा भी बन रहा है, बन जाता फिर दे देते हैं। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने मंदिर में और सुबह में मेरी मॉर्निंग में स्टार्ट होती है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ नहा धोवा कर उसके बाद मैं सबसे पहले मंदिर में आकर अच्छे से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हर दिन का मेरा यही है, एक दिन ठीक करो दूसरे दिन फिर वैसे ही हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में चूहा है। तो पूजा वाले घर में क्या होता है कि बहुत सारे चूहा घुस जाते और गिरा देते, तो फिर मैं यहाँ पर अच्छे से क्लीन की और उसके बाद पूजा करने के बाद एक अलग ही लगता है, अच्छा फील होता है। और यहाँ पे हम लोग कल रात में गांव से आ गए थे यहाँ सिवान वापस पटना, सॉरी पटना बोल रहे हैं सिवान, तो आकर काफ़ी अच्छा भी लगा था। और अभी मैं अच्छे से तैयार वर होकर फिर पूजा करी और आज मैं पहन ली थी सूट, क्या कि जैसे कि आप सबको पता ही है कि मॉर्निंग थोड़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो हैक्टिक हो जाता है, तो मैं सोची थी कि चलो जल्दी से कर लो पूजा। फिर मुझे नाश्ता भी तैयार करना था क्योंकि पापा जी को ड्यूटी भी जाना होता है। तो किचन में और यहाँ पे है नेनुआ, तो अभी आंटी जी भी किसी रीज़न की वजह से वो छुट्टी पे है तो वो अभी नहीं आएंगी,
चलते हैं, अभी बनाते हैं नेनुआ का सब्जी नाश्ता। बाकी यहाँ पे कारा फिर से बना रहे हैं, तो अभी चलते हैं कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या किए हैं, नेनुआ कट कर लिए हैं। और अभी तो अब यहाँ पे मैं क्या की थी कि सब्जी छौंक दिए थे और एक साइड दाल रख दिए थे। उसके बाद मैं जल्दी से क्या की, आटा मुझे सानना था तो मैं आटा लेकर जल्दी से सान दी, क्योंकि मुझे बनानी थी रोटी। और मेरे घर में सभी लोग मॉर्निंग के टाइम रोटी खाते हैं। बहुत लोग होते हैं कि सुबह में भी चावल खा लेते, दोपहर में भी चावल, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत टाइमली होता है कि सुबह में। और यहाँ पे मैं एक साइड सब्जी भी देख रही थी, और ये नींबुआ में इतना ज़्यादा पानी छोड़ दिया था, इतना ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर उसमें डाले, फिर यहाँ पे मुझे बनानी थी चोखा, तो पतिदेव का ये फेवरेट है चोखा। तो अभी मैं क्या कि सारा खाना बन चुका था, फिर मुझे क्या करना था कि मुझे फिर सारा खाना बनाने के बाद फिर मैं क्या कि अच्छे से सब रख दिए। और उसके बाद मैं क्या कि किचन क्लीन कर कर आ गई मैं रूम में। तो मुझे झाड़ू लगाना था, क्योंकि आज हमारे घर में आंटी जी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं सोची थी कि चलो जल्दी से लगा दूँ। अगर मुझे पता रहता तो मैं सुबह ही लगाती रहती, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन खैर अच्छे से सब लगा दिए। और फिर उसके बाद तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मैं सोची थी कि जल्दी से जितने भी बर्तन थे सारे, मैं खाना बना था तो वो खाली करके मैं सोची धो दूँ, क्योंकि क्या है ना कि एक बैग बर्तन ज़्यादा हो जाता है तो फिर थोड़ा ज़्यादा लगने लगता है। तो इसलिए मैं सोची थी कि जो भी खान बर्तन था उसको निकाल कर मैं धो दूँ। तो यही सब था। और गाइज मैं बता दूँ आप सबको कि तो गाइज जो लोग सोच रहे होंगे कि शादी के बाद लाइफ बहुत अच्छा होता है, तो हाँ होता है, लेकिन शादी के बाद कुछ भी करना पड़ता है। तो गाइज आप लोग इसको सीरियस मत लीजिएगा, मैं मजाक मजाक में बोल रही हूँ। शादी के बाद एक लाइफ ही अलग हो जाती है, मुझे क्या बोलूँ। तो बस अभी यहाँ पर मेरा काम फिनिश हो गया, क्योंकि मुझे वीडियो का भी काम करना था। तो मैं सोचती हूँ कि अपना काम जल्दी से फिनिश करने के बाद, जो भी किचन उचन था, मैं सोची थी कि खाना बनाई थी तो गैस पे थोड़ा सा गिर जाता है, तो मैं उसको अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। क्या कि क्लीन क्लीन रहता तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। वैसे कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि आप लोग किचन बहुत गंदे तरीके से रखते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्लीन से रखते हैं। लेकिन कभी कभी वो हो जाता है हमारे घर में, जब सब लोग ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उससे गंदा दिखने लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी कि किचन में जो भी गैस उस था, स्लैब वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर दे रही थी, ताकि मुझे बाद में क्लीन ना करना पड़े। बस सिर्फ और सिर्फ मुझे झाड़ कर ऐसे और फिर रात का खाना तैयार करना पड़ेगा। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं किचन कितने अच्छे तरीके से सब क्लीन हो गया है। और अब क्लीन करने के बाद अब मैं जाऊंगी अपने रूम में और अपना जो भी काम है उसको पूरा करूंगी। आप लोग भी देखिए यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे मैं आ गई थी, कल का जो छठ माता का प्रसाद है तो वो हम लोग गांव में कुछ प्रसाद बटा गए, बाकी हम लोग वापस सिवान लेकर आए, क्योंकि सिवान में भी देना रहता है। जैसे कि सभी लोग को जिसके यहाँ छठ पूजा नहीं होते या फिर जिस मतलब कि यहाँ पे सभी को दिए जाते हैं प्रसाद, तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी बनाना था। तो आपको बता दूँ मैं कि बनाना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसका सोच रही थी कि सेक बनाने के लिए, तो मैं उसका सेक बनाकर भी पीऊँगी। और यहाँ पे था शरीफा फल, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और दीदी को भी पसंद है, मनीषा दी को, तो हम दोनों लोग को एक रखा हुआ है। और भी है यहाँ पे एक और नारियल है, तो ये सब तो खैर हम सब जाने देखते हैं, अब बोलेंगे पापा जी को इसको लेकर आए। और फिर यहाँ पे है ये संतरा, तो ये सब सारी चीज़ें मैं क्या करती हूँ, सब एक साइड रख देते हैं, जो फ्रिज में रखने वाला उसको फ्रिज में रख देंगे, बाकी यहीं पे रहने देंगे। हे गाइस, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो जैसे ही सोची थोड़ा आराम करने के लिए, तो अभी क्या है ना कि अचानक से प्लान बना, तो अब जा रही है रंजना क्या बनाने के लिए। सत्तू वाला पराठा, सत्तू पराठा बनाना है मुझे तो सब कर दिया। क्या क्या बन चुका है, अभी तो भुजिया बना दिए हैं आटा सान कर रखे हुए, तो अभी जा रहे हैं फटाफट सत्तू बनाएंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे। और अभी समय बज रहा है 4:20, तो चलिए खत्म करते हैं। बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।